बिल्कुल यहाँ पे कॉल कॉलर है हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी पंजाब से. नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका. हेलो, सवाल बता दीजिए. मेरी वाइफ को सर्वाइकल है पिछले 3-4 साल से. जी जी बताएं. उसको लेफ्ट साइड, हाँ उसको लेफ्ट साइड से काफी पेन होता है और वो ब्रेस्ट में आता है. उसकी ब्रेस्ट में हैवीनेस आ जाती है और ऐसे लगता है जैसे उसको हार्ट अटैक हो रहा है. मुझे सीवियर पेन होता है उसकी लेफ्ट साइड. प्रदीप जी, काफी कॉमन देखा गया है कि जब सर्वाइकल पेन होता है तो ये सर्वाइकल सिर्फ गर्दन तक नहीं रहेगा, ये सर्वाइकल वहां से चलता हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जॉइंट्स के पेन होते हैं और ये जॉइंट के पेन रेडिएट होते हुए शोल्डर में आ जाते हैं. और ये कई बार देखा गया कि अगर इसमें नर्व कोई कॉम्पोनेंट हो गया है या नस दब गई है तो ये हाथों में आ सकते हैं. और इसी की सप्लाई एंटीरियर चेस्ट में भी होती है. हाँ, ये है कि अगर उनको एंटीरियर चेस्ट में पेन भी है तो ये सर्वाइकल के साथ और कॉम्पोनेंट, सर्वाइकल में जरूरी नहीं है कि एक नस ही दबी है या एक डिस्क ही खराब है, ज्वाइंट ही खराब है, ये तीनों कंबाइन भी हो सकते हैं. ये दर्द चलता हुआ सिर में भी जा सकता है और आगे चेस्ट में भी आ सकता है. ये रेडिएट करता है और मैंने कहा ये हाथों तक चल जा सकता है किसी पेशेंट के, और इसको उसी हिसाब से देख के ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं मोस्टली. हाँ, उनके केस में जैसे अब कहा कि चेस्ट पेन है, कई बार ये लोग कार्डिक सेंटर में चले जाते हैं, सर्वाइकल पेन है और हार्ट का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, और जबकि सर्वाइकल बढ़ता जाता है, जब वहां फेल होता है ट्रीटमेंट तो फिर हमसे कंसल्ट करते हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हार्ट ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, हार्ट को पहले रूल आउट कर लेना चाहिए और उसके बाद डेफिनेटली सर्वाइकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है. अंटिल इलनेस शुरू से ही सीरियस सिचुएशन हो कि वो हाथों पैरों में कोई नुकसान कर रहा हो या नस दबा रहा हो या पैरालिसिस कर रहा हो. जी बिल्कुल, यहाँ पे एक और कॉलर है चंदन जी हिमाचल से. नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका. सवाल पूछिए. हेलो जी. हेलो, मैं चंदन बोल रही हिमाचल से. डॉक्टर जी नमस्ते. डॉक्टर जी नमस्कार. चंदन बोलिए. हाँ जी डॉक्टर जी, मेरे ना मतलब कमर में ना कोई 10-15 दिनों से पेन है और बैठा नहीं जाता मेरे से ना. चंदन, ये 10-15 दिन से ही दर्द है या पहले भी कभी कभी होता रहा है या सिर्फ 10-15 दिन? पहले ये था कि जैसे, चलिए फोन कट गया है, पर चंदन जैसे कहा कि 10-15 दिन से दर्द है और मैं शायद उम्मीद रखता हूँ कि दिवाली दिनों में बहुत लोगों को ये कंप्लेन आ रही होगी, बिकॉज बहुत लोग घर की सफाई कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो लोडिंग हो रही है स्पाइन में, लंबर स्पाइन में, तो ये पेन हो जाता है और ये फर्स्ट टाइम पेन भी होता है और कई बार रिकरेंट भी होता है कि ये पहले हुआ था ठीक हो गया बार बार हुआ. जैसे कहा कोई पेन ऐसा हो जो बार बार रिकरेंट हो या ठीक ना हो रहा हो या सीरियस होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ता है. यस, नॉर्मली हम कहेंगे कि पोस्टर या मस्कुलर पेन है उसका ट्रीटमेंट लें और शुरू में माइल्ड ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, पर अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा फिर स्पेशलिस्ट की राय जरूर लेना चाहिए. और जैसा कि हम देखा गया कि अगर आपने 1 वीक का मेडिकेशन दिया, नॉर्मली हम कहते हैं 4 वीक का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें, दवाई फिजियो एक्सरसाइज करें, नहीं ठीक होता तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि ये सीरियस कॉज हो सकता है और जिसके लिए फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन दो है आजकल. पहले सिर्फ ओपन सर्जरी हुआ करती थी, जो कि लेटली लास्ट फ्यू 10-8-10 सालों में कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आ गए हैं, चाहे वो लंबर हो चाहे सर्वाइकल स्पाइन, स्पाइन में कहीं भी फॉर दैट मैटर. जैसे मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था कि हार्ट में जैसे पहले ओपन सर्जरी हुआ करती थी, फिर एंजियोग्राफी आ गई, स्टेंटिंग आ गई, सेम स्पाइन में भी आ गया है कि आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से सर्जरी से भी अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं है, सेफ है, बहुत सेफ मोडालिटी है. ना इसमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ना एडमिशन की जरूरत पड़ती है, मेडिक्लेम रीजन से कई बार हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, पर यस कोई सीरियस सिचुएशन हो तो फिर जरूर एडमिट करते हैं 1-2 दिन के लिए, अदरवाइज ये एक डे केयर या ओपीडी बेसिस में भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है. यस, डॉक्टर से कंसल्ट करें, होम रेमेडी नहीं करें ज्यादा, पेन किलर नहीं लें. अगेन एंड अगेन प्रोग्राम में मैं सबको बार बार वार्न कर रहा हूं और कह रहा हूं और समझाना चाहता हूं. लोग बहुत बार होगा और ये लोग नॉर्मल एक टेंडेंसी रहती है कि पेन है, पेन किलर लिया और फिर केमिस्ट से एक पत्ता और ले आए. अब ये नहीं मालूम है कब वो पत्ता और उनकी किडनी को डैमेज कर दे और कब न्यू स्ट्रिप ले रहे हैं तो डैमेज कर दे, इस चीज से थोड़ा बचें. डॉक्टर से राय करें, कोई सीरियस है तो वो सिर्फ मेड पेन किलर से नहीं जाएगा क्योंकि बढ़ता जाएगा. पेशेंट कंप्लेन कर डॉक्टर साहब पेन किलर ले रहे हैं पर दर्द कम नहीं हो रहा, दर्द बढ़ता जा रहा है, वो डबल प्रॉब्लम है, उनको डिजीज वहीं के भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ पेन किलर की वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं. इसको कंपैरिजन करने के लिए जैसे किसी पेशेंट को फीवर है और क्रोसिन ले लिया और फीवर ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं डिजीज ठीक हो गई, वो सिर्फ फीवर को करेक्शन कर रहा है. ऐसे पेन किलर सिर्फ पेन करेक्ट करे, डिजीज करेक्ट नहीं करे, समझिए, इसको अवॉइड करें. यहाँ पे कॉल लेना चाहेंगे रेणुका जी की सुल्तानपुर से. नमस्कार, सवाल पूछिए आपका. डॉक्टर साहब मेरे ना गर्दन में बहुत दर्द रहता है और चक्कर आता है हमेशा, जी निचलाता है मेरा और दर्द हमेशा घूमता रहता है 24 घंटा मेरा एकदम. जी हेलो. हाँ रेणुका जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अपने पेन को और ये काफी बार देखा गया कि जब सीरियस सर्वाइकल हो जाता है, ये रेड फ्लैग्स में कहते हैं,
कि अगर आपको मतली आती है या उपकाई सी लगती है और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है, गिडीनेस से चक्कर आते हैं, कई बार सर्वाइकल की प्रेजेंटेशन ही होती है कि डॉक्टर साहब सिर घूमता रहता है, बिस्तर से जरा से उठते हैं सिर घूमने लगता है और उठ नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, और कई बार ये बहुत रिस्की भी हो जाता है क्योंकि लोग गिर भी जाते हैं। और स्पेशली हम पेशेंट को कहते हैं ड्राइव बिल्कुल नहीं करें ऐसी सिचुएशन में। और जैसे पहले मैंने कहा अगर नस दब गई है तो हाथों में दर्द आ रहा है, ये सर्वाइकल के कुछ प्रेजेंटेशन हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि चक्कर की वजह क्या है। और काफी बार देखा है कि सर्वाइकल डिस डिजीज है ये, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल फेसेट ज्वाइंट पेन है, उसकी वजह से भी चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया काफी इंपॉर्टेंट रिलीवेंट है कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर प्योर चक्कर है तो कई बार ये कान की वजह से भी होता है, अपनी ENT चेकअप जरूर करवाएं। और उसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं ENT सेट कह रहे हैं ठीक है और अपने मेडिसिन लिया है, तो सिर्फ चक्कर की दवाई मत लीजिए, इसको डायग्नोज कीजिए क्या है, क्योंकि चक्कर के लिए दवाई रहती है और उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, पर डायग्नोज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्यों है। और अगर कोई सीरियस सिचुएशन है और रिलीवेंट है कि इसको ट्रीटमेंट किया जाए तो हम फर्दर ट्रीटमेंट करें और स्पेशलिस्ट से राय जरूर लें। बात कर रहे थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, उसी के बारे में बात करते हैं। कॉल लेना चाहेंगे रुचि जी की चंडीगढ़ से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। नमस्कार, लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किस तरह की जो सीरियस सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन कॉलर मेरे साथ जुड़ गई है। रुचि जी बताइए, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मुझे रिवर्सल ऑफ लॉर्डोसिस है, तो मुझे सर पूछना है मेरी जो सिर है उसकी बैक साइड पे काफी पेन रहती है, तो मैंने काफी एक्सरसाइजेस भी करती हूँ, उससे काफी मुझे रिलैक्स मिलता है। पर कहना है जब मैं वॉकिंग पे जाती हूँ, कहना है रन ऑल्सो रनिंग में कर सकती हूँ? जैसे आपने कहा रुचि जी कि आपको सर्वाइकल पेन है और एक्सरसाइज करने से रिलीव होता है, और पर ये रिकरेंट बार बार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार करेक्शन हो जाए ठीक रहना चाहिए, पर अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें और पेन ना ही होने दें वो ज्यादा बेटर मोडालिटी है कि पेन हो और फिर एक्सरसाइज किया जाए, तो कोशिश ये करनी चाहिए। हाँ, रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ, लंबर में जरूर हम रनिंग के लिए कहते हैं कि उसमें रनिंग या जॉगिंग नहीं करें, वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग जितना भी कर सकते हैं वो अच्छा होता है, पर रनिंग या जॉगिंग नहीं करें लंबर के लिए। पर सर्वाइकल में प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्वाइकल पेन रेडिएट कर सकता है अपर बैक में जैसे कहा, और अगर इसमें कोई सीरियस फ्लैग्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट आपको एलिब्रेट करूंगा, तो तब उसमें हमें ज्यादा उसको देखने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। पर अगर आपको वन ऑफ द ट्राइबल पेन है और ठीक हो रहा है, आपको फीवर नहीं, वेट लॉस नहीं है और कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहें और बीच बीच में कभी कोई बहुत ज्यादा पेन लगे तो एक मसल रिलैक्सेंट लें, पेन किलर ना लेके मसल रिलैक्सेंट प्लेन ले सकते हैं, उसमें नुकसान इतना नहीं है, तो वो आप बीच बीच में ले सकते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट की राय जरूर कर लीजिए ताकि एक बार चेक होने से हो जाए कि प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लें पेन किलर ना लेके मसल रिलैक्सेंट प्लेन ले सकते हैं, उसमें नुकसान इतना नहीं है, तो वो आप बीच बीच में ले सकते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट की राय जरूर कर लीजिए ताकि एक बार चेक होने से हो जाए कि प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं, उसको उस तरह लेके चले कि आपने एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन लिया, उसने देख लिया कोई सीरियस नहीं सिचुएशन है, तो देन यू कैन गो अहेड नॉर्मल, और उसमें साइकोलॉजिकली भी आप बेटर फील करते हैं, ये एक अच्छी बात है। जी, आप एक कॉल लेना चाहेंगे राकेश ठाकुर जी की शिमला से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार राजेश जी। सर एक्चुअल में मुझे सर पिछले 2-3 साल से सर चक्कर मतलब कंटिन्यू मतलब जैसे ज्यादा सीटिंग से आ रहे हैं सर, और उस कारण सर मुझे आंखों में प्रेशर और चलने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर, तो क्या सर ये सिम्टम मतलब की स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल के हैं सर? लेकिन मैंने जैसे मतलब की अपने डॉक्टर से जो भी चेकअप करवाया तो मतलब की उन्होंने मुझे मतलब की सर्वाइकल मतलब की ये सिम्टम बताया जी। जैसे आपने कहा कि आपको सर्वाइकल पेन है और हाथों में और कुछ हद तक पैरों में दर्द आ गया, ये सीरियस सिचुएशन है, इसके हम रेड फ्लैग में कहा जाता है काउंट करते हैं। अगर ये सर्वाइकल जैसे आप समझिए कि लंबर में अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ लोअर लेग्स में और पेल्विस में प्रॉब्लम है, पर अगर सर्वाइकल की वर्टिब्रा में या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेन केबल प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से पूरी बॉडी कंट्रोल में रहती है। जैसे हमारे सुपरमैन थे, उनको एक्सीडेंट हुआ और उनका पूरा ऑल फोर लिम्ब से पैरालाइज हो गए, और जैसे एक बहुत अच्छी पीछे एक मूवी भी आई थी जिसमें ऋतिक ने एक्ट किया था, उसमें उनको एक्सीडेंट हो जाता है और उनको ऑल फोर लिम्ब्स पैरालाइज हो जाते हैं। एक सीरियस सिचुएशन है, बट आपके लिए नहीं, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। यस, ये देखा गया, मेरे पास पेशेंट आया 8-8 साल से सर्वाइकल वर्टिब्रा की प्रॉब्लम है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क स्लिप है और प्रेशर बढ़ रहा है, और उसकी वजह से कई बार देखा है कि माइलोमलेशिया डिजीज होती है कि स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन होते होते स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है,
और उसमें व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो जाती है और वो एक नियर परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि माइलोमलेशिया ना होने दें, स्पाइनल कॉर्ड को परमानेंट डैमेज की तरह न जाने दें, स्टार्ट में इसको कैप्चर कर लिया जाए और उसको ट्रीट कर लिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। हाँ, किसी भी फेज में अगर पेशेंट आया और उसको ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है तो एक सीरियस सिचुएशन है, इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होता, इसके लिए हमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। और जैसे शुरू में कहा कि सर्जरी हुआ करती थी पर आजकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसको आप देखना चाहें इसमें समझेंगे तो जैसे एक ये डिस्क है, सर्वाइकल डिस्क है और ये डिस्क चलते चलते पीछे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर रही है। आजकल हम क्या करते हैं, सुन करके यहाँ इस सर्वाइकल डिस्क के अंदर हम एक नेडल डाल के इसको ड्रिल आउट करते हैं, डिस्क मटेरियल एक कप में इकट्ठा हो जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेस हो जाती है और ये नॉन सर्जिकल मोडालिटी है इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट में से कहा जाता है। और इसमें सर्जिकल डिकम्प्रेशन के इक्वल रिजल्ट मिलते हैं बिकॉज जो सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी है बहुत डिमांडिंग है, हाई सेंटर्स में होती है और अच्छे सर्जन ही कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा सा ज्यादा है, रिस्की है और हम इसको बचने के लिए इस मोडालिटी से ट्रीटमेंट करके और काफी अच्छा रिलीफ पा लेते हैं। सर्जरी के ऑप्शन फिर भी हमारे पास हमेशा ओपन रहती है। हाँ, पर ये जरूरी है कि इसको पैरों में नहीं जाने देना है और हाथों में जैसे आपने कहा प्रेशर फील होता है नहीं होने देना। जो भी नर्व की पेन होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर, वो एक अंदर प्रेशर की फीलिंग होती है, दबने की फीलिंग या वीकनेस की फीलिंग बोलती होती है या जिससे कई लोग बोल रहे थे सुनपन होता है, चींटी चलना बोलते हैं। और जो लोकलाइज पेन होगी, मस्कुलर पेन होगी, वहां पर टेंडर होगा, हाथ लगाएंगे तो हाथ में दर्द होगा, वो लोकल पेन होता है। हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है आपको लोकल पेन है, आर्थराइटिस है या सर्वाइकल की वजह से आपको बॉडी पेन है। पर यह सर्वाइकल में अगर डिजीज बढ़ जाती है तो एक सीरियस सिचुएशन है, इसको एक इमीडिएटली अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट, काफी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। चलिए यहाँ पे कॉल लेना चाहेंगे सुधांशु जी की देवरिया से। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। हेलो जी, हेलो, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। हेलो, सवाल पूछ लीजिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी मैम, मेरी दादी है 70 वर्ष लगभग है और उनके घुटने में हमेशा दर्द रहता है, बहुत इलाज कराया गया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, जानना चाहेंगे उसके लिए सुटेबल कोई ट्रीटमेंट हो। देखिए, हम अभी तो आज सर्वाइकल के ऊपर प्रोग्राम या बैक पेन पर है, पर आपका सवाल रेलिवेंट है बिकॉज नी की आर्थराइटिस वन ऑफ द कॉमनेस्ट पेन सिंड्रोम है। अगर इसे हम प्रिवेंशन लें तो ये काफी हद तक अवॉइड हो सकता है और ये अगेन वो बात है कि पॉजिटिव हेल्थ कॉन्सेप्ट ज्यादा लें तो नहीं होता है, पर अगर हो गया है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, होगा एज है तो प्रॉब्लम होगी, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होगा, ऐसे ही नी में आर्थराइटिस होगी होगी उसके बराबर पैरेलल में, तो इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफी हद तक इसको रोका जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। पर अगर हो गया तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पर एक बात, एक मैसेज देना चाहूंगा, इसमें कंटिन्यू सफर नहीं करें। ये देखा गया है कि नी में आर्थराइटिस होती है, घुटना खराब है और लोग उसको चलाते रहते हैं और बैठ जाते हैं और मूवमेंट रुक जाता है और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, जैसे वेट गेन हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। इन चीजों से बचे, लाइफ को एक्टिव रखें, नॉर्मल रखें। और फिर वही कहता हूं सबके लिए, वही मैसेज है कि जब एक जिंदगी मिली है उसे पूरा जिए। व्हाई टू लिव इन पेन, जब अवॉइडेबल है, ट्रीटेबल है, देयर इज नो मेरिट इन सफरिंग, अवॉइड करें उसे और ट्रीटमेंट करें, अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और नहीं है तो एक नी रिप्लेसमेंट आपके पास ऑप्शन है, वो हमेशा रहेगा और वो आप राइट टाइम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ऐसी बात सिचुएशन आई जाती है तो उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे कॉल लेना चाहेंगे शकुंतला जी की देवरिया से ही। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। जी, मुझे कमर में दर्द है और एक्सरे में राइट साइड जो है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है, तो मुझे कमर में दर्द तो होता ही है, साथ साथ अब जो है गर्दन में भी दर्द हो रही है। जी ओके, शकुंतला जी, जैसे आपने कहा कि कमर में दर्द है और एक्सरे में राइट साइड, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस जनरलाइजेशन प्रॉब्लम है। अंटिल अनलेस स्पेसिफिक किसी हिप ज्वाइंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो तो वो माना जा सकता है, या ऐसा ही ज्वाइंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो तो माना जा सकता है। और ये हमने लास्ट प्रोग्राम में जैसे फिर कहा था कि डिस्क से पेन हो सकता है, ज्वाइंट से पेन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और ऐसा ही ज्वाइंट अलग से एक पेन कर सकते हैं। फेसेट ज्वाइंट अलग होते हैं, ये छोटे छोटे ज्वाइंट, और ऐसा ही ज्वाइंट एक बड़ा ज्वाइंट होता है, वो अलग से पेन कर सकता है। उनका ट्रीटमेंट लें। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ट्रीटेबल डिजीज है, बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं और इसमें कहा गया जितना एक्टिव रहेंगे उतनी ऑस्टियोपोरोसिस कम होगी। मेडिसिन लें और डाइट अच्छी रखें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते रहें तो नहीं होता, और स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है या हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज है। अगर वो समय हार्मोन रिप्लेसमेंट्स करें या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेंगे तो नहीं होगा। आप देखिए फॉरेन में सब लेडीज हैं और वो 80-80 एज तक भी एक्टिव रहती हैं, उसका ये रीजन है कि हेल्थ कॉन्शियस है और पॉजिटिव हेल्थ कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो नहीं होता। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बीमारी हुई तो उसका ट्रीटमेंट लेना है, वहां कॉन्सेप्ट है नहीं बीमारी होने नहीं देनी, कोशिश यही करें तो ठीक हो जाता है, करेक्टेबल डिजीज है, घबराने की जरूरत नहीं है।
चलिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे समय भी समाप्त हो गया, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम के जरिए हमने यही जाना है कि अगर आप वाकई जीना चाहते हैं एक फिट एंड फाइन लाइफ, तो जरूरी है कि अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना है, फिजिकली एक्टिव रखना है, मूवमेंट्स करते रहना है, चाहे आपका शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, अपने ऑफिस में टाइम निकाले किसी भी तरह से, और अपने आप को बिल्कुल फिजिकली एक्टिव रहे ताकि आप रहे बिल्कुल फिट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।